दादी क्या है ये? मेरी अमेरिका की टिकट। कितनी बार हमारी जिस तरह आपकी जान अफ्रीका में बसती है ना, वैसी दादी माँ की जान आप में बसती है। आपके अमेरिका जाने वाली बात सुनकर उनके दिल को बहुत दुख हुआ है। तुम तो मत ही बोलो, चुप रहो एकदम। तुम्हारे उस गांव के सरपंच ने हम दोनों की जबरदस्ती शादी कराई थी ना, जिसकी वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इस जलती हुई रस्सी की आग जब तक वहां पहुंचे, इससे पहले तुमने शादी के लिए अगर हाँ नहीं बोला तो तुम जिम्मेवार हो गए। तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार आग में जल के राख हो जाएगा। चलो खेले लो, नहीं तो आग लगा देंगे तुम्हारे परिवार को। अरे जितनी मैंने पढ़ाई की है ना, उसकी तुम आधा परसेंट भी नहीं हो। इस जन्म में तो क्या, अगले किसी भी जन्म में हम दोनों का कोई मेल नहीं हो सकता। बस बहुत सारी डिग्रियां हो, लेकिन जितना हम जानते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है वो कभी किसी अनपढ़ के सामने अपनी पढ़ाई का घमंड नहीं दिखाता, बल्कि सबको साथ में लेके चलने की जिम्मेदारी उठाता है। अरे नहीं उठानी तुम्हारी जिम्मेदारी, नहीं उठानी मुझे किसी गवार लड़की की जिम्मेदारी, किसी गवार लड़की की जिम्मेदारी। ये देख रही हो, ये मेरी अमेरिका की टिकट है, जा रहा हूं मैं। मुझे नहीं निभानी ये बेफिजूल की जिम्मेदारी। दादी ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या किया आपने दादी? तुम अमेरिका अकेले नहीं जाओगे। मतलब? मतलब ये, तुम अमेरिका जाओगे लेकिन अपनी पत्नी नंदिनी के साथ। दादी सुमित्रा दादी उस गवारन को आकाश के साथ अमेरिका भेज रही है, वो वहाँ वॉशिंगटन घूमेगी और हम यहाँ अयोध्या के धोबी घाट पर ही घूमते रह जाएंगे। नंदिनी अमेरिका जा रही है? हाँ वो अमेरिका जा रही है, और हम कभी रसोई में जा रहे होते तो कभी पोछा लगाने के लिए पानी लेने बाथरूम में जा रहे होते, और तो और अब तो हम डिप्रेशन में भी जाने लगे हैं। अरे छोटी हमारा अमेरिका से क्या लेना देना? यही तो दिक्कत है कि कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारा। वो नंदू पहले ही घर की आदर्श बहू बन के ना उसका रुतबा इतना बढ़ चुका है, और अगर अब वो अमेरिका चली गई ना तो उसका रुतबा डबल हो जाएगा डबल। छेठानी जी हमारे नूडल्स किधर है? अभी ला रही हूँ मैडम। ओके, और हाँ वो डबल रोटी में आलू टिक्की डालकर जरूर लाइएगा। हाँ ले आइए। वेट वेट वेट,
हमारा केले वाला शरबत याद से हाँ ठीक है मैडम गो फास्ट हाँ जा रहे जा रहा हूँ मैडम ज्योति भाभी होश में आओ अरे प्रिया क्या बताएं जब से हमने ये खबर सुनी है ना वो नंदू वो हमें हाई हील्स में ना अंग्रेजी में खटपट खटपट करते हुए नजर आ रही है सच में और हमारी बदकिस्मत तो देखो उस गवारन को अमेरिका के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी भी हमें ही मिली है उसके वहाँ बात करने के तरीके से लेकर उसके रहने सहने का तरीका सब कुछ हमें उसे सिखाना है वो भी चार दिन में हाय रे हमारी फूटी किस्मत नंदिनी को विदेश भेजने का फैसला लेकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की वो दुनिया के नए तौर तरीकों के साथ जिंदगी जी तो पाएगी ना दादी माँ दादी माँ भगवान ने बहुत छोटी उम्र में हमसे हमारे माँ बाबा छीन कर हमें अनाथ कर दिया था लेकिन फिर धरती मैया ने हमें अपना आंचल दिया और हमें हमारे माँ बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी भगवान एक बार पहले हमें अनाथ कर चुके हैं अब एक बार फिर हमसे हमारी धरती मैया छीन कर हमें अनाथ मत कीजिए दादी माँ हमें विदेश मत भेजिए नंदिनी बेटा हम जानते हैं कि तुम अपनी धरती मैया से बहुत प्यार करती हो लेकिन ये कुछ ही महीनों की बात है और फिर कहते हैं ना कि पत्नी पति का साया होती है अपनी पत्नी धर्म तो निभाना ही होगा ना हमने नानू भी यही कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने पति का साथ कभी मत छोड़ना तो फिर अपनी नानू की बात याद रखकर अपनी ये दादी की बात मान लो हमें पूरा यकीन है कि जब घर की राजनीति से दूर आकाश तुमको समझेगा तो जरूर तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेगा शायद दादी माँ सही है कहा पता विदेश में अपनों से दूर होकर वो हमें अपना मानने लगे और हमें पत्नी होने का हक दे दे चलो अभी अमेरिका जाने की हम लोग ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं ट्रेनिंग तैयारी ये देखो मुझे देखो राइट लेफ्ट और ऐसे ऐसे पॉज भी लेते रहना है ठीक है फिर राइट लेफ्ट ओके चलो अब तुम करके दिखाओ भाभी हमें तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा हम चलेंगे कैसे नंदू अब नखरे बंद करो चलो चल के दिखाओ चलो 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 सॉरी माफ कर दीजिए मुझे नहीं लगता तुमसे हो पाएगा हाँ सच में अमेरिका जाना है तो तुझे ये करना होगा तू कर सकती है नंदू तू कर सकती है बढ़ो आगे नाउ पॉज हाँ नंदू तुम तो बहुत जल्दी सीख गई वेरी गुड ऑलराइट अच्छा सुनो अब वहां के लिए ना तुम्हें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आने भी जरूरी हैं ठीक है हाँ हाँ अंग्रेजी ही उन्होंने सिखाया था हमें जैसे कि क्या सारी थैंकू वेलकम गुड डे गुड बाय गुड इवनिंग गुड नाइट वेरी गुड अरे बाप रे ओके कोई बात नहीं अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी को इधर बुलाना है तो क्या बोलोगी
हाँ कम हियर गुड वेरी गुड हाँ ओके अगर किसी को उधर भेजना है तो क्या बोलोगी उधर भेजने के लिए हाँ कम हियर ज्योति भाभी ये मेरे बस की नहीं है आप ही सिखाओ इसे वो तो ठीक है प्रिया पर सिखाना क्या है ज्योति भाभी हम एक बात बताइए ना जब हम हवाई जहाजों में जाएंगे तो हवाई जहाजों में बादल तो नहीं घुस जाएंगे ना अरे नहीं नंदू उसमें ना खिड़की बंद होती है हाय राम खिड़की बंद होती है तो फिर हमारा तो दमे घुट जाएगा नहीं नहीं हम खिड़की खोल के रहेंगे अच्छा एक बात और बताइए हमने सुना है कि अमेरिका का सफर बहुत लंबा होता है तो हवाई जहाज में चाय और मूंगफली बेचने वाला तो आएगा ना हाँ पता नहीं खैर हम जानते हैं वहाँ बहुत महंगा मिलता होगा इसलिए हम ना खाना घर से ही बांध के लेके जाएंगे बिना बात का अंग्रेजी हीरो का खर्चा काहे कर रहा है ना अच्छा अब हमें अभ्यास करने दीजिए ज्योति भाभी मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है आकाश अमेरिका में ये सब सुनकर पागल पागल ना हो जाए सच में आकाश तेरी जिंदगी को तो सुमित्रा चाची ने सर्कस बना दिया और इस सर्कस की जोकर नंदिनी नहीं तू है आकाश दुनिया हंस रही है तुझ पे कि ये कैसा लड़का है जो अपने लिए आवाज तक नहीं उठा पाता अरे बिट्टुआ अमेरिका जाके ना नंदिनी ने तो तेरा जीना मुश्किल कर देना है हमको तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि सुमित्रा तेरी दादी है या उसकी जो हर बार उस लड़के की बातों में आके तुझको नीचा ही दिखा दी रहती और उस गवार के साथ तेरा विदेश में पढ़ाई में मन कैसे लगेगा अरे मन तो छोड़ बिटवा अगर उस गवार को तू अपने साथ रखेगा ना तो दुनिया के साथ नजरें कैसे मिलाएगा दुनिया तो बेटा हंसेगी ना तेरे पे आकाश तेरी बीवी तो एकदम कार्टून है यार नहीं नहीं मैं नंदिनी को अपने साथ नहीं ले जा सकता मैं दुनिया से अपना मजाक नहीं उड़वा सकता मैं अमेरिका अकेले जाऊंगा दादी मैं अमेरिका अकेले जाऊंगा हाँ बिट्टू अकेले जाऊंगा नंदू डार्लिंग ये दोनों ना अयोध्या की सबसे फेमस मेकअप वाली हैं देखना ये तुम्हारा पूरा का पूरा हुलिया ही बदल देंगी बस ये जो करी ना इन्हें चुपचाप करने देना कुछ बोलना मत समझ गई गुड अच्छे से काम करना ये कैसे रस्से जैसे बाल हैं? तुम इनके केयर नहीं करती? So dirty. क्रीम नहीं लगा दी क्या तुम? बहुत सारा काम करना पड़ेगा तुम्हारा ये हुलिया ठीक करने के लिए खड़े रहो ऐसे इधर ये सब काय कर रही है हाथ ऊपर करो आप ठीक है पर ये सब नए कपड़ों के लिए नए कपड़े सी ये देखो कौन सा पसंद है तुम्हें गाउन नहीं नहीं हम ये सब नहीं पहनते क्यों अमेरिका में रहना है ना तो वहाँ पे सब ऐसे वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते हैं तुम्हारी झल्ली साड़ी नहीं चलेगी वहाँ पे इसे साड़ी नहीं है ये हिंदुस्तानी महिलाओं के किरदार का अभिन्न अंग है हमारी संस्कृति में माना जाता है कि औरत साड़ी में और भी खूबसूरत लगती है और तो हमने टीवी पे भी देखा कि विलायती औरतें भी आजकल साड़ियां पहनने लगी समझी और गहराई से समझाएं। हाँ हाँ समझ रहे हैं अब चलो तुम्हारा मेकअप कर देते हैं। छोटी दादी ऐसे मेकअप आर्टिस्ट बुलाए हैं इतना अच्छा काम करने वाले ना कि आप नंदू को पहचान ही नहीं पाएंगी देखना दादी नंदू ना अब गांव की गोरी से ना बिल्कुल इंटरनेशनल मेम बन के आएगी हाँ सच में मन करता है कि ऊपर जाके नंदू को अभी देख लो दादी आप ना थोड़ा सा सब्र कीजिए सबर का फल अक्सर मीठा होता है देखना वो बहुत सुंदर लगेगी सुनो
उस लड़की का ऐसा मेकअप करना कि उसे दिन में तारे दिखें। मेकअप के नाम से भी कांपनी चाहिए वो। समझ गई ना तुम दोनों? हाँ, समझ गए। वेरी गुड। मुझसे पंगा लिया था ना तूने? अब उस पंगे का बदला तो लेना ही था। नंदू रानी, एक एक बेइज्जती का हिसाब लूंगी तुझसे, देखती जा। फाइनली आपका मेकअप डन। ये लो, ये गाउन पहन लो। हमने आपसे कहा ना, हम ये सब नहीं पहनते हैं। ज्यादा नाटक मत करो, चुपचाप पहन लो। देखिए, हमको धौंस मत दिखाई, हमें 2 मिनट नहीं लगेगा आप लोगों का गुस्सा निकालने में। अरे क्या क्या कर रहे हो? अरे हट लो, अपने साथ हाथापाई करोगे? रुको, अभी तुम लोग ना मेकअप आके साथ हाथापाई करते हैं। हम पर हाथ उठाया था ना? रुको, हम पर जबरदस्ती दिखाया ना? अब दिखाते जबरदस्ती का होती है। रुको, अब तो हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। बस हमको ऊपर जाना है और देखना है कि नंदू कितनी सुंदर लगती है। बचाओ, बचाओ हमें! रुको, अभी बताते तुम लोगों को, हमारी साड़ी उतारोगे बिना हमारी मर्जी के? रुको, बचाओ! रुको! इस लड़की को आप अमेरिका भेजना चाहती हैं? इस लड़की को? अरे इसे देख के लोग हंसेंगे मुझ पे। आप क्यों नहीं समझ रही, ये सिर्फ एक जबरदस्ती का रिश्ता है। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते दादी, ना हमारी कोई सोच मिलती और ना ही दिल। आप क्यों नहीं समझ रही दादी? अब बस बहुत हो गया, मैं इस बेफिजूल के रिश्ते को अपने कंधे पे और नहीं ढो सकता। मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता हूं। मुझे नंदनी से तलाक चाहिए दादी। अगर अभी मेकअप की वजह से हमें छोड़ना चाह रहे तो हम आपको बताते हैं, ये सब इन लोगों की करतूत है, इन्होंने हमारा हुलिया बिगाड़ा है। अरे कुछ भी मत बोलो नंदुआ, मेकअप वाली रूप संवारती है, बिगाड़ती थोड़ी है। पर हम ही अपना हुलिया कहे बिगाड़ेंगे? आपको यकीन नहीं हो रहा ना हम पे? रुकिए, अभी सच बुलवाते हैं इनसे। रुको तुम लोग, ये मेरा घर है, तुम्हारा गांव का खाड़ा नहीं है। जब चाहे तुम ये डंडा उठा के गुंडागर्दी शुरू कर दो। बस यही तो दिक्कत है कि आपको हम पर यकीन ही नहीं है। दादी मां से कहिए ना कि हम पर यकीन करें, बोल ही नहीं। क्या यकीन करूं तुम्हारा, क्या यकीन करूं बताओ? ये आंसू बहा के, गंगा जमुना बहा के तुम अपने आप को सही साबित करना चाहती हो, ये यकीन करूं तुम पे? आकाश,
इस तरीके से बात करना बंद करो। और मैं देख रही हूँ तुम हमेशा नंदिनी के साथ इस तरीके से गुस्से में बात करते हो। हर बात पे चिढ़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो ये भी नहीं है दादी कि आप हर बार अपने सगे पोते का साथ छोड़ के इस गांव के गवार का साथ दें। इस घर में बहुत कुछ हो रहा है दादी जो अच्छा नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, आपको मुझसे जितनी भी शिकायतें हैं वो कुछ दिन में दूर हो जाएं, कि मैं 2 दिन में अमेरिका वापस जा रहा हूं, वो भी अकेले। मेरी शिकायत की थी ना तूने दादी से, अब उस शिकायत के बदले झेल ये सब। देख लिया सुमित्रा, तूने आज अपना सब कुछ गवा दिया इस चिंटू मैया की वजह से। इसके घर में आते ही पूरे घर की सुख शांति खत्म हो गई, और आज तेरा खुद का पोता ये घर छोड़ के जा रहा है। और कुछ ही दिनों में भारद्वाज इंडस्ट्री को बुलंदियों तक पहुंचाने वाली तेरी उम्मीद सब चकना चूर हो जाएगी, क्योंकि जब तेरा खुद का पोता ही नहीं रहेगा तो तू किसको बनाएगी उत्तराधिकारी। जेठानी जी, आपको ये फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब हम अपना बलबूते पे ये साम्राज्य बना सकते हैं तो हम इतने तो योग्य हैं कि हम इस साम्राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी चुन सकते हैं, और ये हमारा वादा है आपसे। हम चाहे कितनी ही मुश्किलें में क्यों ना हो, हम कभी भी कोई गैर जिम्मेदार इंसान को भारद्वाज इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी नहीं बनने देंगे। चल कमिया। दादी माँ, सच में अंग्रेजी हमें तलाक दे देंगे? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.